ऑफ क्लास 4 एंड इट्स ऑन पेज 19। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने लग गए हैं, जिसका टाइटल है एनिमल्स। अब चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। कुछ बच्चों को तो एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, कुछ पेट एनिमल्स भी रखते हैं। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या सीखेंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे जो कि एनिमल्स को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद सेकेंडली, हम एनिमल्स के मूवमेंट, उनकी ग्रोथ, उनके रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स की पूरी मतलब ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ्रॉग और ग्रासहॉपर वगैरह के डिफरेंट सर्कल ऑफ स्टेजेस, मतलब डिफरेंट के जितने भी लाइफ में जितने स्टेजेस आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। आवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी जो ज़मीन है वो क्या है, जानदार और ना और बेजान चीज़ों की एक मतलब ज़मीन है, एक सियारा है। हमारी दुनिया जो है वो, जिसमें हमारी दुनिया में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स की दो तरह की टाइप्स है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स मतलब जानवर और पौधे वगैरह। बट वट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन मैंने पूछा है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है उनमें। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, बढ़ सकती हैं, ईट खा सकती हैं, मूव एंड रिप्रोड्यूस, मूव कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब दोबारा से निकल सकती हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, लेकिन जो बेजान चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हर लिविंग थिंग, हर जानदार को खुराक की ज़रूरत है, वाटर पानी की ज़रूरत है, एयर लाइट एंड शेल्टर, एयर की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है और रहने के लिए जगह की ज़रूरत है। लेट्स हैव अ लुक एट दीज फैक्टर्स। अब हम इन सारी चीज़ों पे गौर करते हैं। सनलाइट है, लिविंग थिंग को बहुत ज़रूरत है, प्लांट्स हैं, सनलाइट के बगैर नहीं उग सकते। वाटर है, जब तक हम एनिमल्स, प्लांट्स, इवन ह्यूमन बींग्स तक को जब तक पानी ना दो तब तक कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। एयर के बगैर कोई सांस ही ले सकता, हर लिविंग थिंग को एयर की ज़रूरत है। एंड फूड ऑब्वियसली, इंसान फूड के बगैर तो रह ही नहीं सकता, और फूड के साथ ही इंसान सर्वाइव कर सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बहुत मतलब इनके बगैर लिविंग थिंग्स जिंदा रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो उनके लिए तो ये मैटर ही नहीं करता, वो तो जैसे है वैसे पड़े रहेंगे, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का। तो हम बात कर रहे हैं फूड। एनिमल्स नीड फूड विच गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। एनिमल्स को फूड की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि उनको एनर्जी देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ईगल नीड्स एनर्जी टू फ्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक ईगल है, उसको क्या है, उड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। टाइगर नीड्स एनर्जी टू रन फास्ट एक्सेट्रा। और जो टाइगर है उसको तेज़ भागने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, इसी तरह। ओके, नेक्स्ट, वाटर, पानी। इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ज़मीन के ऊपर। विदाउट वाटर, पानी के बगैर, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। ज़िंदगी ना होती ज़मीन पर, कोई ज़िंदगी होती ही ना। बट वाई इज़ इट सो, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ बिकॉज लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर। क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी पानी से ही मिलकर बनी हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर सेल्स, अगर हम अपने आप की बात करें, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी का 70% पार्ट पानी से ही मिलकर बना है। सो इफ़ वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो अगर पानी लॉस्ट हो जाए बॉडी के अंदर से, इट्स नीड टू रिप्लेनिश। तो अगर पानी हो ही ना हमारी बॉडी में, तो हम लोग नहीं रह सकते। वाटर इज नीडेड फॉर सेवरल अदर रीजंस। पानी को और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इट लुब्रिकेट्स आर बॉडी जॉइंट्स। सो क्या है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, पानी उसको ठीक रखने में मदद करता है, और ये हमारे बॉडी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, एयर। एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। जो एयर है, हवा है, वो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी
तमाम जानदारों के लिए जिंदा रहने के लिए. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का. इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. ये किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस से. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं. ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और इस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं हवा के अंदर. लैंड एनिमल्स गेट ऑक्सीजन. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को गेट करते हैं फ्रॉम द एयर, एयर की मदद से, एंड इन रिटर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. और वो भी क्या करते हैं? वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, विच इज़ यूज बाई प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. जो कि क्या होता है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है. अब क्या है जी, कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. और ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है. तो क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. तो बहुत आपस में इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है इस लिहाज से भी. नेक्स्ट यहाँ पे आ गई लाइट. लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स. जो लाइट है लिविंग थिंग्स के लिए एक सोर्स है एनर्जी का. प्लांट्स नीड लाइट टू प्रिपेयर फूड. प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है अपना खाना तैयार करने के लिए. एंड प्रोवाइड दिस फूड फॉर मैनी एनिमल्स. और वही खाना जो है वो दूसरे एनिमल्स तक जाता है, उनको चाहिए होता है. शेल्टर. शेल्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स एनिमल्स फ्रॉम एडवर्स. जो शेल्टर होता है मतलब रहने से, मतलब रहने की जगह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनिमल्स को सेव रखता है. वेदर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. वो मतलब जब भी वहाँ शिकार वगैरह करने के लिए आते हैं, शिकारी वगैरह आते हैं, और उसके अलावा जितने भी उनको मुश्किलें वगैरह हैं, जैसे कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तो जानवरों के लिए भी शेल्टर बहुत ज़रूरी है. तो इसी वजह से शेल्टर के उनको प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के डेंजर से. It can be anything from a tree cavity to all grass, to tall grass. The world is a place with diverse animals that live in different habitats, from the skies to the deepest oceans to land in between. जो हमारी दुनिया है वो एक जगह है जहाँ पे आसमान और नीचे मतलब ज़मीन की गहराइयों के बीच में वो जो क्या है एनिमल्स पाए जाते हैं. दीज एनिमल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो वही एनिमल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. दे हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प देम टू मीट देयर नीड्स. और इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट खसूसियात हैं जो कि इनकी डिफरेंट ज़रूरियात को पूरा करती हैं. नेक्स्ट यहाँ आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की खसूसियात. लिविंग थिंग्स हैव सम इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स डेट हेल्प टू मीट देयर नीड्स. लिविंग थिंग्स की बहुत डिफरेंट असेंशियल मतलब बहुत लाजमी अच्छी खसूसियात होती हैं जो कि उनको एक दूसरे से मिलवाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. मूवमेंट, हरकत, ग्रोथ बढ़ना, रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, मूवमेंट. हैव यू एवर सीन अ चेयर और कार मूव बाय इटसेल्फ. क्या आपने कभी देखा है कि कोई गाड़ी या फिर कुर्सी खुद से बैठे? नो, बिकॉज देर आर नो लिविंग थिंग्स एंड ओनली लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही जो हैं वो खुद बहुत मूव कर सकती हैं. मूविंग अराउंड इज एसेंशियल टू मैनी एनिमल्स फॉर फाइंडिंग फूड, वाटर एंड शेल्टर. जो हिलना जुलना है वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना खाना तलाश कर सकें, पानी और अपने रहने की जगह. इट आल्सो हेल्प्स देम टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स. वो उनको मदद कर, यही जो मूवमेंट है वही उनको मदद करती है खतरे से बचाने के लिए और मतलब शिकारी वगैरह से मतलब छुपने के लिए. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उनकी आदतों पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल फिश स्विम, जैसे कि अब जो मछली है वो तैरती है, फ्रॉग्स एंड कैंगरूज होप एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या है? अलग अलग काम है इनका. ओके, विच बॉडी पार्ट डू वी यूज टू वॉक. हाँ, अब ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो हम चलने के लिए यूज़ करते हैं? ऑफकोर्स हमारी लेग्स हैं. नेक्स्ट है ग्रोथ. ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ग्रोथ क्या है? एक बहुत ज़्यादा अहम खसूसियात है जानदारों की. एज लिविंग थिंग्स ग्रो देयर साइज चेंजेस. जैसे जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं उनके जो साइज़ है वो बदल जाता है. जैसे छोटा सा बेबी है वो बड़ा इंसान बन जाता है, उसी तरह एक छोटा सा एनिमल का बच्चा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है और उसका उसकी शेप बदल जाती है, उसका साइज़ बदल जाता है और वो बड़ा हो जाता है. इसीलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियात है लिविंग थिंग्स की.
जैसे यहाँ एक किटन है वो एक बड़े होकर कैट बन जाती है, उसकी बॉडी से बिल्कुल बदल जाती है, उसी तरह एक ह्यूमन बेबी है, छोटा बच्चा है, वो बड़े होकर एक अडल्ट बॉय हो जाता है, मतलब बड़े होकर उसकी बॉडी शेप बदल जाती है, उसका उसका बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाता है। सो ये सब चीज़ें ग्रोथ में ही आती हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन क्या है? लिविंग थिंग्स की खसूसियात हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम जानदार इंसान हो चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हो, वो मतलब आगे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि आगे मतलब यंग वंस को पैदा करते हैं। इफ़ दे डोंट रिप्रोड्यूस, अगर वो ऐसा मतलब ना करें, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें, देयर वुड बी नो लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ। तो ज़मीन पर कोई भी स्पीशीज ना रहे जिंदा, मतलब कोई भी जानदार हो ही ना, बिकॉज लाइफ वुड कम टू एन एंड एट सम स्टेज, क्योंकि एक टाइम पे तो लाइफ ने ख़त्म हो जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैट्स प्रोड्यूस किटन्स, जैसे कि जो कैट्स होती हैं वो किटन मतलब उनके जो बेबीज होते हैं वो किटन्स होते हैं और वो उनको पैदा करती हैं। चिकन्स प्रोड्यूस चिक्स, जो चिकन मतलब जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं और उसमें से चूजे निकलते हैं। अ रोज प्लांट प्रोड्यूस अ रोज प्लांट एंड सो ऑन, जैसे कि एक रोज़ का प्लांट है, अब वो सिर्फ मतलब रोज उसमें सिर्फ रोज़ के प्लांट्स ही उगेंगे, इसी तरह, ठीक है। एज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जैसे जैसे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, दे स्टार्ट टू ग्रो, वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड डाई, वो पैदा होती हैं और मर जाती हैं। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। सम एनिमल्स हैव सिंपल लाइफ साइकिल्स लाइक मोस्ट वर्टिब्रेट्स, जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत सिंपल सी लाइफ साइकिल्स होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जैसे बर्ड्स मैमल्स फिश एंड रेप्टाइल्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ओके। तो जैसे बर्ड्स मैमल्स फिश एंड रेप्टाइल्स वगैरह, इनकी बहुत छोटी सी जिंदगी होती है, बहुत सिंपल सी लाइफ होती है। देयर लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ थ्री स्टेजेस पे होती है, जैसे कि प्री बर्थ स्टेज, यंग एंड एडल्ट, जैसे कि पैदा होना, बड़े होना और उसके बाद मतलब जैसे कि बनना, पैदा होना और उसके बाद बड़े हो जाना, बस। बट सम एनिमल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ लोगों की, कुछ एनिमल्स की बहुत मुश्किल लाइफ साइकिल होती है। दे चेंज देयर अपीयरेंस अलोंग विद देयर बॉडी स्ट्रक्चर, वो अपने अपीयरेंस मतलब अपनी ज़ाहरी शक्ल को बदलते रहते हैं, एंड पास थ्रू अ सीरीज ऑफ इन डिफरेंट इन ऑफ स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, और बहुत डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। द चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो सारा वो होता है, सारा बॉडी स्ट्रक्चर जो चेंज होता है एक अंडे से लेकर एक अडल्ट तक में जाना, इस सारे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, पूरा होना और इनकम्प्लीट रहना। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, सबसे पहले तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात कर लेते हैं। अ फ्रॉग पासिस थ्रू फोर स्टेजेस, जो फ्रॉग होता है वो फोर स्टेजेस से गुजरता है इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में, एग, टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। सबसे पहले वो एक एग होता है, एग से निकलता है, उसके बाद टैडपोल बनता है, उसके बाद फ्रॉगलेट बनता है, उसके बाद एडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ी शेप में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज इट्स कंप्लीट ऑल फोर स्टेजेस। इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं क्योंकि इसने अपनी सारी स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया, अपनी चारों स्टेजेस पे से गुजर के आ गया। द बेस्ट एग्जांपल इज ऑब्जर्व्ड इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग दैट शोज हाउ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द फ्रॉग चेंज एट एवरी स्टेज। तो बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग की है क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि उसने हर स्टेज पे अपनी शक्ल को कैसे बदला है, अपने आप को कैसे बदला है। बीस फ्लीज फ्लाइज बटरफ्लाइज एंड आंट आल्सो गो थ्रू अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। उसी तरह जो बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, फ्लाइज होती हैं एक्सेट्रा, ये सारी भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती हैं, एक मतलब ये भी अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस को कंप्लीट कर लेती हैं। तो आगे यहाँ पे आ जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कौन से होते हैं? अ ग्रास होपर पासिस थ्रू थ्री स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। अब जो ग्रास होपर होता है वो सिर्फ तीन स्टेजेस पे से गुजरता है अपनी लाइफ साइकिल में, एग नाइफ एंड एडल्ट। दिस इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बिकॉज इफ इट डज नॉट हैव अ फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ इन इट्स साइकिल। तो ये क्या होती है? ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है क्योंकि इसकी सिर्फ तीन स्टेजेस होती हैं, ये फोर्थ स्टेज पे जाता ही नहीं है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड ड्रैगन फ्लाइज, कॉकरोचेज एंड टर्माइट्स। तो यही बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, जिसमें ड्रैगन फ्लाइज आ जाती हैं, कॉकरोचेज आ जाते हैं और टर्माइट्स आ जाते हैं।
सो बच्चों, आज हम लोगों ने क्लास 4 के यूनिट नंबर 3 पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस पढ़ा है। एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे किस हद तक डिफरेंट हैं उस चीज के बारे में पढ़ा है। एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लिविंग थिंग्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस और इन मतलब उसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा है। तो आप सब बच्चों, आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया है और आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं और समझी हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर and comment the videos. Thank you very much.